इधर हो ना अंदर है। देखिए जिस तरीके से हमने तो पहले ही कहा भी जो भी कंपनियां हैं अपने जो सत्यनिष्ठा से नहीं काम कर रही, क्योंकि इसको सिगल इंडिया कंपनी कर रही जो कीर्तपुर से नेहर चौक फोर लेन रोड बन रहा है, इसका जो कार्य है सिगल इंडिया के पास कैंची मोड़ तक इसका कार्य है। क्योंकि पहले भी काफ़ी यहां हम इस टाइम गरा मोड़ा के पास जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ काफ़ी अनहोनीय घटना हो गई, एक्सीडेंट हुए और कई आदमी यहाँ जान भी गवा सके। तो आज जैसा कि ये देखिए, मतलब अपने जो कंपनी ने अपना कार्य किस तरीके से सूखी मिट्टी पर कर रही है, क्योंकि अभी तो बरसात की पहली बारिश भी अच्छे ढंग से नहीं पड़ी, बहुत ही नॉर्मल बारिश पड़ी थी, और फिर भी नॉर्मल बारिश पड़ने से भी जो बादलों में मतलब अपने ऐसे धमाके होते हैं बिजली के, वही ये जो डंगे हैं वो नहीं सहार पाए। तो ये देखिए ये किस तरीके से इनका जो डंगा है, इतना बड़ा डंगा इनका जो बैठ गया है, और इसके अलावा और भी मतलब अपने ये जो करीब करीब माने तो 20-25 मीटर ये डंगा जो नीचे चला गया है, इसके अलावा भी कम से कम भी 50 मीटर इनका जो डंगा है वहाँ भी पगे और फट गया है। तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मैं निवेदन करूँगा कि जो भी कंपनी कार्य करती है उस पर विशेष ध्यान रखकर उससे कार्य करवाया जाए, और जो मटेरियल और क्वालिटी की जो गुणवत्ता है उस पर भी विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, ताकि लाभ की बजाय हानि ना हो सके। और इसके अलावा यहाँ से जैसे कि कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि आगे और भी कहीं मतलब एक डंगा बैठ गया है, क्योंकि अभी अगर भारी बरसात पड़ेगी तो मैं नहीं जानता मतलब अपने भी कहाँ तक ये नुकसान हो सकता है, हो सकता भी इसको देखते हुए कोई अनहोनी घटना का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी दुख वाली बात है। क्योंकि अभी नया नया काम है, नया नया यहाँ से रोड बन रहा था, और किस तरीके से ये कंपनी जो अपना कार्य कर रही है, तो मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से मैं यही निवेदन करूंगा, और हिमाचल प्रदेश सरकार से, क्योंकि यहाँ जो भी कंपनियां काम करती हैं इन पर विशेष ध्यान किया जाए। अगर कोई लापरवाही बरती जाती है, पाई जाए इनकी पाई जाती है, तो उन पर जो भी बनती कार्रवाई है वो की जाए।